अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, पेज नंबर 61, कॉन्सेप्ट चेक। आज हमने फिलअप्स करनी है। इनमें से यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। सम वर्ड्स विल बी यूज्ड मोर देन वंस। कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने देखते हुए नीचे जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनको फिल करना है। इन वर्ड्स को यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखें, फर्स्ट वाला है Everything in this word that has dash and occupies dash is matter। हर वो चीज़ दुनिया में जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, पीछे हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं matter, मादा। तो यहाँ पे आएगा Everything in this word that has mass। हर वो चीज़ जो वजन रखती हो and occupies space और जगह घेरती हो, is matter, उसे कहते हैं मादा। तो यहाँ पे write कर लीजिए mass और यहाँ पे space write कर लीजिए। डैश आर ऑलवेज मूविंग अबाउट, पीछे हमने पढ़ा था पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। पीछे कल हमने रीडिंग में पढ़ा था डैश आर ऑलवेज मूविंग अबाउट, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए पार्टिकल्स। डैश इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स आर फॉर्म्स, पीछे हमने पढ़ा था डैश इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स आर फॉर्म। मैटर इज़ फाउंड इन थ्री स्टेट्स आर फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मैटर, यहाँ पे मैटर राइट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड वाली है नाउ कम्प्लीट दिस थ्री सेंटेंसेस यूजिंग द सेम पेयर ऑफ वर्ड्स ईच टाइम। इन थ्री सेंटेंसेस में से हमने वर्ड का एक ही पेयर इस्तेमाल करके इनको फिल करना है। आइस इज मेड अप ऑफ, आइस बर्फ किससे मिलकर बनी हुई है, तो हम जानते हैं बर्फ जो है, आइस जो है, वो वाटर पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए वाटर पार्टिकल्स। आइस इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स। वाटर इज मेड अप ऑफ, पानी जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो हमें पता है पानी जो है वो भी वाटर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी राइट कर लीजिए वाटर पार्टिकल्स। वाटर वेपर इज़ मेड अप ऑफ, तो वाटर वेपर्स पानी के जो बुखारात हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, तो वो भी हमें पता है वाटर वेपर्स किससे मिलकर बनते हैं, वाटर पार्टिकल्स से। तो ये तीनों में एक ही वर्ड पेयर इस्तेमाल हुआ है वाटर पार्टिकल्स। बर्फ जो है वो भी वाटर पार्टिकल्स से बनती है, पानी भी वाटर पार्टिकल्स से, और वाटर वेपर भी वाटर पार्टिकल्स से। ये आप लोगों ने फिल कर लेनी है ब्लैंक्स। उसके बाद हम लोगों ने रीडिंग करनी है सॉलिड्स। सॉलिड्स, इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक क्लोजली टुगेदर। सॉलिड के अंदर, सॉलिड हमने कल पढ़ा था कि कोई भी ठोस सख्त जो चीज़ है उसे कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, आर पैक क्लोजली टुगेदर, एक दूसरे के साथ आपस में बहुत इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, इकट्ठे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। सॉलिड ठोस पार्टिकल्स ज़र्रात पैक्ड लिपटे हुए। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे लिपटे हुए होते हैं आपस में। द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब खींचना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये जो ज़र्रात होते हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ग्रेट, और इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत बड़ी होती है। वेरी ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में। ये देखें, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं पिक में दिखाए हुए, तो इनमें क्या है, खाली जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसे आपस में कस के एक दूसरे के साथ इकट्ठे, बहुत करीब करीब एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत करीब करीब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं पार्टिकल्स, और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज, क्योंकि द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर, ज़र्रात जो हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे लिपटे हुए हैं। दे कैनॉट मूव अबाउट फ्रीली, ये आज़ादाना मूव नहीं कर सकते, हरकत नहीं कर सकते फ्रीली, आज़ादी से, ये आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे लिपटे हुए हैं, और ये देखें आप लोग, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये इधर उधर आज़ादी से हरकत नहीं कर सकेंगे। ये पार्टिकल्स इधर उधर आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स वाइब्रेट इन देयर प्लेस, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी ही जगह पर रह के वाइब्रेट करते हैं, लहराते हैं, थरथराहट पैदा करते हैं, अपनी ही जगह पर रह के थरथराते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर आज़ादी से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते, एक दूसरे के साथ आपस में बहुत करीब करीब जुड़े हुए होते हैं।
तो ये अपनी ही जगह पे मूव कर वो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, थरथराहट पैदा करते हैं, थरथराते हैं। दिस इज़ व्हाट गिव्स सॉलिड देयर शेप, और यही वजह है कि सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड की एक खास शक्ल होती है। वी से डैट आ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और हम कह सकते हैं कि सॉलिड की एक खास शक्ल और वॉल्यूम होता है। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, साथ कॉन्सेप्ट चेक फिलअप्स करनी है। डायरी मेंशन कर लीजिए पेज नंबर 61, कॉन्सेप्ट चेक फिलअप्स, लर्न प्लस राइट ओन बुक्स, पेज नंबर 61, हाफ रीडिंग। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनके आप लोगों ने मीनिंग्स ऐड करने हैं। सॉलिड, ठोस, पार्टिकल्स, ज़रात, पैक, डिटे हुए, टुगेदर, इकट्ठे, अट्रैक्टिव, खींचना, फ्रीली, आज़ादी से, वाइब्रेट, थरथराना, गिव्स देना, शेप, शक्ल। तो ये सारे आप लोगों ने राइट कर लेने हैं, डायरी मेंशन कर